पूर्वम् यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महादेव, तत्तु समन्नयात् तत्तु समन्नयात् कर्म के फल से ज्ञान का फल मोक्ष विलक्षण है, विलक्षणता बतलाई। और मोक्ष और शरीरत्व तो होना ही मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा का स्वरूप है। शरीर के साथ अध्यास की निवृत्ति यही मोक्ष है। सशरीरत्व हो तो बंधन की अनुभूति, अशरीरत्व हो तो मोक्ष की अनुभूति है कि नहीं। कारण हो तो कार्य होगा, कारण न हो तो कार्य नहीं होगा। तब प्रिया प्रिय का संबंध का हेतु कौन हो गया? अध्यास। सशरीरत्व, सशरीरत्व न हो तो प्रिया प्रिय का संबंध नहीं होगा। एक अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत। और वो जो अशरीर है वो आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा का स्वभाव का अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम व्योमात्मानम मत्वाधीरो न सोचते। यहाँ तक हो गया था ना? तो ये जो यहीं से टीका थोड़ी से ले लो। आत्मनो देहा असंगत्वम अशरीरत्वम, ठीक है। देह के साथ संबंध न हो यही अशरीरत्व है। तस्य अनादित्वात्, वो तो अनादि हो, वो तो अनादि है। और शरीरत्व जो स्वभाव है वो तो आत्मा का स्वभाव ही है, वो अनादि है। अज्ञान से केवल आवृत था, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गई। इसलिए अशरीरत्व रूपी जो मोक्ष है वो कर्म का फल नहीं हो, न कर्म साध्यता, कर्म का फल वो नहीं होता है, है कि नहीं। इसलिए कहा न तस्य स्वाभाविकत्वात्, भाष्य में आया था। अशरीरम एका अशरीरम, अशरीरम कह करके श्रुति क्या कहना चाहती है? कठोपनिषद की श्रुति है ना, ये शरीर अस्थिर है, अस्थिर शरीर में आत्मा स्थिर है, आत्मा स्थिर है, ठीक है ना। स्थूल देह शून्यम, आत्मा के साथ स्थूल शरीर का भी संबंध नहीं है, इसलिए का अशरीरम। स्थूल देह से संबंध का अभाव को करने के लिए अशरीरम कहा। देहेशु अनेकेशु, देह तो अनेक दिखता है,
और देह कैसा होता है, अनवस्थितेषु का है कि नहीं, अनवस्थेषु अवतिष्ठते थी अवस्थ न अवस्थ ये थी अनवस्थ अनित्येषु एकम नित्यम अवस्थित। मैं देखो है अनित्य शरीरों में एक नित्य होता है अवस्थित, अवस्थित का मतलब अविकृत, विकार नहीं होता, छह प्रकार के विकार है कि नहीं जानते ना, जायते अस्ति विपरिणमते अपक्षयते और विनश्यते। ठीक है, शरीर छूट गया, कहाँ डालेंगे तो भक्त लोग जाने, गंगा जी में डाल रहे हैं तो कहाँ डाल रहे हैं, उसके लिए क्यों चिंता करनी है, वो तो जाएगा ही जाएगा शरीर, क्यों जी हैं, ऐसा नहीं कि गंगा जी में डाल दे तो मुक्त हो जाएगा और बाकी में छूटेगा तो मुक्त नहीं होगा, ऐसा ही क्या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ज्ञान हो गया तो मुक्त ही है, शरीर कहीं भी छूटे कभी भी छूटे। अच्छा, महांतम मतलब व्यापिनम, महांतम का अर्थ यहाँ पर व्यापी, आत्मा व्यापक है, आत्मा व्यापक है तो आकाश भी तो व्यापक है, तो आकाश की तरह व्यापक है क्या बोलते, नहीं, आकाश में तो आपेक्षिक व्यापकत्व है कि नहीं, आत्मा में ऐसा नहीं है, आपेक्षिक महत्व बारयते विभुम, विभु का मतलब निरतिश व्यापक, वह सबको व्याप्त किया है, माया को भी व्याप्त किया है, सारा जगत को भी व्याप्त किया आत्मा, माया को भी वही सत्ता दे रहा है, सारा संसार को भी वही सत्ता दे रहा है, माया सबको व्याप्त कर सकती है लेकिन अपने अधिष्ठान को व्याप्त नहीं करती है कि नहीं। व्यवहार में सबसे व्यापक कौन है, व्यवहार में सबसे व्यापक कौन है, माया, कौन है माया, माया से कोई बड़ा नहीं है लेकिन आत्मा को व्याप्त नहीं कर सकती, क्योंकि माया तो आकाश को भी व्याप्त किया है ना, इसलिए व्यवहार में सबसे बड़ी व्यापकता होगी माया की, लेकिन माया आत्मा को व्याप्त नहीं कर सकती, इसलिए निरतिशय व्यापकता आत्मा में है। तम आत्मानं ज्ञात्वा धीरो न सोचति का ना, वो तो ब्रह्म है अपना स्वरूप है, उसको जान करके आम अस्म पर ब्रह्म, इस प्रकार जान करके कौन जानेगा, धीरः सन् धीर पुरुष जानेगा, वो धीर पुरुष नहीं हो तो वेदांत का विचार नहीं कर सकते, ये संसार करने नहीं देगा वो नहीं, हाँ नहीं तो फिर जो है अनुकूलता में वो कभी प्रतिकूलता में हो तो विक्षिप्त हो जाएगा, वो वेदांत का विचार नहीं कर सकता वो। कश्चित धीरा प्रत्येकात्मन इच्छत आवृत चक्षुर अमृतत्तम इच्छन, कोई धीर पुरुष ही वेदांत का विचार में समर्थ होता है, हैं? तो वहाँ पर कहा कि जो है मत्वा धीरो ना सोचते, शोक नहीं करता है, मतलब क्या है, शोक उपलक्षितम संसारम न अनुभवती, ये तात्पर्य यहाँ पर। ठीक है ना, ज्ञान होने पर उनको निश्चय हो जाता है कि शोक ना पहले था ना अभी है ना आगे रहेगा, ये दुखी होना ये बेवकूफी है मूर्खता अज्ञान के बिना जो है दुख हो ही नहीं सकता है, किस चीज़ को लेकर दुख करेंगे, आपका संबंध बने ना दुख होगा, आप तो नित्य तृप्त है तो दुख क्यों होगा, अतृप्त होने पर दुख होता है कि नहीं, इसलिए संसार न अनुभवती, संसार का अनुभव नहीं होता है ज्ञानी को, मैं संसारी हूँ ऐसा नहीं, संसार तीनों काल में है ही नहीं मेरे में, ना पहले था ना अभी है ना आगे रहेगा, त्रिकालिक
दुख के अभाव का निश्चय होता है ज्ञानी को। जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाए तो कैसा ज्ञान होता है, सर्प ना पहले था ना अभी है ना आगे रहेगा, है आदा बंचेता यन्नास्ति वर्तमान है भी तत्त्वतः, भगवान गौड़पाद कहते हैं। सूक्ष्म देह भावे, सूक्ष्म शरीर के साथ भी संबंध नहीं है आत्मा का। श्रुतिमाह अप्राणो ही अमना शुभ्र, मुंडक में कहते हैं ये प्राण मन से ले लो सूक्ष्म शरीर, दोनों से सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय है, इसलिए सूक्ष्म शरीर के साथ भी संबंध नहीं है। जब संबंध नहीं है तो आप कैसे रहेंगे, शुद्ध ही है। संबंध हो तो अशुद्ध है, क्योंकि शरीर आदि सब अशुद्ध ही है। संबंध होगा तो क्या होगा, वो भी अशुद्ध हो जाएगा। अत्यंत मलिन देहो, देही चात्यंत निर्मल, तयोर अंतरम ज्ञात्वा कस्य शोचो विधीयते, है कि नहीं। शरीर हमेशा कैसा है, मलिन है, और आत्मा कैसा है, अत्यंत निर्मल है। और दोनों को ये स्वरूप को जान लिया तो किसको सिद्ध करना, शुद्ध किसको करना है। आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है, और शरीर कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है। तो फिर कभी शुद्ध नहीं हो सकता, फिर आचरण वगैरह कह को करना, फिर आचरण वगैरह जो करता है अशुद्ध हो करेगा, वो अज्ञानी करेगा वो। चलो हमको, हम तो आचरण वगैरह कुछ नहीं करते, गंगा स्नान मन चाहेंगा तो कटित में गंगा है, लेकिन अभी बोध हुआ कहाँ। बोध हो गया तब तो ठीक है, क्या बोध हो गया, तो मैं तो नित्य शुद्ध हूँ। शरीर आदि को मैं मान रहे हो, अब बोलते कि ना मैं नित्य शुद्ध हूँ, कैसे होगा। इसलिए शुद्ध तो करना पड़ता है चित्त को, ठीक है। मादि प्राण मनसो हो क्रिया ज्ञान शक्ति और निषेधा। ये देखो, ये प्राण में क्रिया शक्ति है और मन में ज्ञान शक्ति है, दोनों का निषेध कर दिया ना। आत्मा में क्रिया शक्ति भी नहीं है, ज्ञान शक्ति भी नहीं है ना। तद अधिनानाम कर्म ज्ञानेन्द्रियाणाम निषेधो, इसे क्या सिद्ध हो गया, क्रिया शक्ति को लेकर के कर्मेंद्रिय नहीं, और ज्ञान शक्ति को लेकर के कौन है, ज्ञानेन्द्रिय, उसका भी निषेध हो गया। इसलिए आत्मा में प्राण का संबंध न होने से कर्मेंद्रिय का संबंध नहीं है, और मन का संबंध न होने से ज्ञानेन्द्रिय का भी संबंध नहीं है। यतः, क्योंकि जब ऐसा है अतः शुद्ध, इसलिए आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। इसलिए जो भी संस्कार वगैरह करते हो सब शरीर आदि की होती है, षोड़ संस्कार वगैरह होता है ना, ये सब शरीर का संस्कार होता है, आत्मा का कोई संस्कार नहीं होता है। देहद्वय अभावे, स्थूल का भी संबंध नहीं है, सूक्ष्म का भी संबंध नहीं है। इसमें श्रुति क्या है, असंगो ही अयम पुरुष, बृहदारण्यक में ये जो आत्मा है असंग है, इत्यादि श्रुतिभ्यः। तो इससे क्या हुआ, निर्देहात्म स्वरूप मोक्षस्य। ए देखो नारायण, देह का संबंध नहीं हुआ, ये आत्मा का स्वरूप है वो, यही मोक्ष है। शरीर के साथ संबंध का अभाव हो गया तो मोक्ष ही है, और मोक्ष आत्मा मुक्त कब से है, अनादि काल से है, वो अनादि है। देखो अनादि है मोक्ष, अनादि है। हाँ, और बोलते हैं भावत्व सत्य, ये देखो भावत्व अनादि भी है और भाव है। बात समझ भाई, दुख के निवृत्ति बोलते हैं ना मोक्ष को, एक विंशति दुख दंश मोक्ष। तार्किक लोग बोलते हैं एक किस प्रकार के दुख जानते हो, एक किस प्रकार के दुख, एक किस प्रकार के दुख क्या है, एक किस प्रकार के दुख। देखो दुख तो दुख है ही, और दुखों का साधन वो भी दुख ही है। दुख तो दुख है ना,
और दुख देने वाला जो है उसको भी दुख ही कहा जाएगा, उसको भी क्या कहा जाएगा, दुख ही कहा जाएगा। तो दुख देने वाले कौन है, वो क्या मानते हैं, देखो क्या मानते हैं। इंद्रिय कितने हैं मन के साथ, छः। कर्म इंद्रिय को तार्किक लोग नहीं मानते, तार्किक है ना वो लोग, तार्किक है वो, वेदांती थोड़ी हो। तार्किक लोग तार्किक लोग कर्म इंद्रिय को नहीं मानते। चक्षुरादि पांच और मन कितने हो गए, छः। छः इंद्रियों का विषय, अरे विषय हो तब ना दुख होगा, नहीं तो काय को दुख होगा। ज्ञान इंद्रिय पांच और मन कितना हो गए, तो छः का विषय ले लो, गिनते जाओ। और केवल विषय होने से दुख होगा कि विषय का ज्ञान भी चाहिए। सामने सांप है आपको पता नहीं है, ज्ञान नहीं लेकिन सर्प है कि नहीं, ज्ञान नहीं है लेकिन सर्प तो है, लेकिन सर्प का ज्ञान हो तो दुख होगा, नहीं हो सकता है। फिर उसका ज्ञान भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो छः गुना तीन कितने हो गए, 18 हो गए ना सीधे, 18 हो गए कि नहीं हो गए। और शरीर न हो तो दुख होगा, तो कितने हो गए, 19 हो गए, 19। और लड्डू खाते हैं जो सुख होता है, वो सुख सुख है कि दुख है, वो दुखी है, वो दुख का हेतु तो होता है सुख, वैसे ही सुख। तो सुख को भी दुख कोटि में डालो, कितने हो गए, 20 हो गए। और दुख तो एक है ही, तो 20 और एक 21, इसको कहते हैं एक विंशति दुख। उसका ध्वंस का नाम मोक्ष कहते हैं, ध्वंस का नाम मोक्ष। बोला हम वेदांती है, अभाव अपने अधिष्ठान से भिन्न होता नहीं है, इसलिए इस चीज़ को कहने के लिए क्या कह दिया, भाव पदार्थ कह दिया, अनादि भाव। ये दुख की निवृत्ति जो है ना, अथवा अविद्या की निवृत्ति, वो आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा से भिन्न नहीं है। सर्प की निवृत्ति रसी से भिन्न है क्या, हाँ? सर्प का नाश हो गया, नाश क्या है, रसी है, रसी से थोड़ी भिन्न है वो। तिस्सुकाचार्य कहते हैं इसके ऊपर, निवृत्तिरात्ममोहस्य ज्ञातत्वे नोपलक्षितः उपलक्षणनाशे पिस्यात् मुक्ति पाचकादिवत्। बढ़िया कहते हैं वो सुरेश्वर, ये तिस्सुकाचार्य, तिस्सुकाचार्य। निवृत्तिरात्मा मोहस्य, मोहस्य निवृत्ति आत्मा, अज्ञान की निवृत्ति आत्मा से भिन्न है ही नहीं, सर्प की निवृत्ति रसी से भिन्न है ही नहीं, भाषा में इसी प्रकार से ले। इसलिए क्या कह दिया, अनादि भावत्व सिद्धे, ये दुख की निवृत्ति वो भाव पदार्थ है, आत्मा से भिन्न नहीं है निवृत्ति, इसलिए मोक्ष भाव स्वरूप है कि अभाव स्वरूप है, भाव स्वरूप, अभाव नहीं, अभाव नहीं, इसलिए कह दिया। फलितम आह, फलित अर्थ कहते हैं भाष्यकर, अतएव अनुष्ठेय कर्म विलक्षण मोक्षाख्यम अशरीरत्म नित्यम इति सिद्धम। इसलिए अनुष्ठेय कर्म, अनुष्ठेय कर्म कौन है, जागादि और उपासना, ये तो अनुष्ठेय कर्म है, उसका फल क्या है, संसार है, उसके विलक्षण है मोक्ष। मोक्ष कौन है, अशरीरत्व, अशरीरत्व हो जाना यही मोक्ष है। शरीर से आप संबंध छोड़ तो मुक्त ही है, आप कैसे मुक्त ही, आत्मा नित्य मुक्त है। केवल संबंध को ही हटाना पड़ता है, किसको, शरीर के संबंध को हटाओ और क्या, कि मैं यही नहीं हूँ, तो कौन बांधेगा, ये शरीर बांधेगा, ये तो आप कल्पना कर लेते हो कि शरीर, हाँ मेरे को पकड़ लिया, शरीर क्या पकड़ेगा वो, ये चने को बंदर पकड़ता है कि चने बंदर को पकड़ता है। क्यों भाई, जो चने जो पकड़ता है ना, कौन, बंदर, चने बंदर को पकड़ता है कि बंदर चने को पकड़ा है, हैं, कौन पकड़ा है, बंदर चने कैसे पकड़ेगा, चने तो जड़ है, वो कैसे पकड़ेगा। वो मान लेते कि चने मेरे को पकड़ लिया, इस प्रकार ये मानते, हम महाराज बंधे हैं, तो कौन किसको बांधा है, हम जा नहीं सकते और उधर, बोलते नहीं देखो,
हम बंधे हैं तो कौन बांधे आपको? तो स्वयं बंधे हो। आत्मा को कोई नहीं बांध सकता, आत्मा ही कल्पना कर लेता है कि शरीर में को बांध लिया, संबंध मान लेते हैं ना। संबंध छूट गया तो यही मुक्ति है। भाष्यकर कहते हैं मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यम, वो तो नित्य ही है ना। मतलब क्या तात्पर्य हुआ, शरीर के साथ संबंध तीनों काल में है ही नहीं, है ना। इसलिए अशरीरत्व जो आत्मा का ये स्वभाव है वो नित्य है। यदि सिद्धम केवल अज्ञान को हटाना ही है बस ज्ञान से। तत्र थोड़ी टीका देखो, ये नित्य का है ना, मोक्ष कैसा है, नित्य है, मोक्ष नित्य है। लेकिन इसके ऊपर नित्य दो प्रकार के मानते हैं भाई, एक परिणामी नित्य मानते हैं, एक कूटस्थ नित्य मानते हैं, है ना। इसके ऊपर कहा रहा है नित्यत्वे अपि परिणामितया धर्म कार्यत्वं मोक्षस्य इति आशंक्य। ये देखो आशंका ये करना है, ठीक है नित्य है ना, मोक्ष कैसा है, नित्य है, लेकिन परिणामी होकर के भी तो नित्य हो सकता है ना। परिणामी होकर के नित्य हो सकता है, इसलिए मोक्ष क्या होगा, धर्म का कार्य हो जाएगा। कर्म उपासना से धर्म होगा, धर्म से मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए मोक्ष किसका कार्य हुआ, धर्म का है। लेकिन ये कैसा है, नित्य है। लेकिन कैसा नित्य, आत्मा की तरह नित्य नहीं है, परिणामी होकर के नित्य है। बात समझ में, ऐसे बोलते हैं। इसलिए नित्य को दो प्रकार भेद करते हैं, सिद्धांत नहीं बोल रहा है ये, सांख्य लोग मानते हैं, सांख्य योग मीमांसक ये लोग क्या मानते हैं, नित्य दो प्रकार के। कितने प्रकार के, परिणामी नित्य है, कूटस्थ नित्य है। इसलिए तत्र किंचित परिणामी नित्यम है, मतलब नित्यम वस्तु में से, तत्र का अर्थ तेषु मध्य, नित्य वस्तु मध्य टीकाकार लिखते हैं, ठीक है। किंचित परिणामी नित्यम, कुछ पदार्थ परिणामी नित्य होते हैं। परिणामी नित्य मतलब क्या है, टीका में दिया परिणामी च त नित्यम च इति परिणामी नित्य, परिणामी हो करके नित्य है। परिणामी में हो और कैसे हो, नित्य भी हो। हाँ कैसे, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो पहली बार पाठ में बैठोगे तो पहली बार सुनोगे। सांख्य बोलते हैं कि हमारे पाठ में बैठो सब समझ में आ जाएगा, है ना। इसके ऊपर बहुत विचार किया है भावतिकार ने, एकदम दो पन्ने का विचार किया है। लंबा चौड़ा भी का विचार है, बहुत विचार है। तो भाष्य है, परिणामी नित्य कैसे हुआ, यस्मिन विक्रियमाणे अपि तदेव इदम इति बुद्धि न विहन्यते। है देखो, है ना, जिसका विकार होने पर भी वही है वस्तु, क्या समझा, अरे वही वस्तु है। जैसे मिट्टी से घट बन गया, घट बनने के बाद क्या बोलते हैं, अरे वही मिट्टी है, होता है कि नहीं होता है। घट बनने के बाद भी क्या मानेंगे, वही मिट्टी है, मानेंगे ना। ऐसे ये सुवर्ण से अलंकार बन गया, ये दृष्टांत यहाँ पर सब दे रखा है वाचस्पति जी, भावतिकार है, बहुत बुद्धिमान थे वो, अद्वितीय विद्वान थे वो। तो कहते हैं कि जो है वही सुवर्ण है, बोलते कि नहीं, वही सुवर्ण है। इसको कहते हैं प्रतिभिज्ञा ज्ञान, क्या हो रहा है, वही सुवर्ण है, बनाने से पहले जो सुवर्ण था वही सुवर्ण बनने के बाद भी। इसलिए सुवर्ण को क्या मानेंगे, परिणामी नित्य मानेंगे, प्रतिभिज्ञा और तदेव सुवर्णम। इसी प्रकार वही जगत है, वही जगत ये बोल रहे, देखो भाष्य में, यथा पृथिव्यादि जगत नित्यत्ववादी नाम, पृथ्वी आदि को जो जगत है ना ये नित्य मानते हैं। कौन मानते हैं, मीमांसक, सृष्टि प्रलय नहीं मानते हो, परिणाम होता रहता है, सृष्टि प्रलय मानते नहीं हो, ये मीमांसक है, मीमांसक, ठीक है। अच्छा सांख्य लोग मानते हैं क्या,
यथाच संख्यानाम गुणा, ये बोलते गुणों का परिणाम है, सत्वगुण रजगुण तमगुण है कि नहीं, जो प्रधान जो है ना उसी से परिणाम हो जाता है जगत का। जैसे मिट्टी का परिणाम घटा हो गया, सुवर्ण का अलंकार हो गया, सत्य ही है ये, कैसा है सत्य। जगत को सत्य मानते हैं लोग और आत्मा में भेद मानते हैं, और योग वाले ईश्वर को फिर अलग मान लेते हैं, है कि नहीं। इतने दिन छोड़ देंगे तो बस वेदांत के साथ एक हो जाएंगे। आत्मभेदो जगत सत्यम ईशोन्य इति चेत्रयम् त्यज्यते तिस्तदा संख्य योग वेदांत सम्मति ही। ये देखो आत्मभेदो, आत्मा में भेद मानते हैं ना संख्या वाले योग वाले, और जगत को क्या मानते हैं सत्य मानते हैं, और योग वाले क्या मानेंगे ईश्वर को अलग मानेंगे। इतने अंश को छोड़ दो, आत्मा में भेद, जगत में सत्यत्व, ईश्वर को अलग, इतने ये छोड़ देंगे तो वेदांत के साथ एक हो जाएंगे, है ना। हाँ श्लोक को याद रखना, आत्मा भेदो जगत सत्यम ईशोन्य इति चेत्रयम्। ईशोन्य सो के बाद अवग्रह, ईशोन्य इति चेत्रयम् त्यज्यते, त्यज्यते तेईस तदा सांख्य, त्यज्यते तेईस तदा सांख्य योग वेदांत सम्मति ही। महादेव ठीक है, तो ये सांख्य बोल रहे हैं, सांख्या नाम गुणा, तीनों गुण का ही सारा जगत परिणाम, लेकिन क्या हो रहा है अरे वही गुण है, बनने के बाद भी वही गुण है, बनने के बाद भी तीन गुण रहेगा कि चले जाएगा है? जगत बनने का दे तीनों गुण तो रहेगा ही रहेगा, सृष्टि से पहले भी तीन गुण, सृष्टि के बाद भी तीन गुण है ही हो, इसलिए बोलते ये प्रकृति का ये परिणाम है, परिणाम है। प्रतिविज्ञा हो रही ना, जहाँ पर तदेव ऐसी प्रतिविज्ञा होगी वस्तु में, उसका नाम क्या होता है परिणाम नित्य, समझ में। ये भ्रांति है, अभी कहेंगे ये भ्रांति है। आत्मा तो कुटस्थ नित्य, आत्मा कैसा है कुटस्थ है नित्य, परिणाम नित्य नहीं, ये न कर्म साध्य, कर्म का ये फल नहीं है आत्मा, ये कह रहे थे। इदम तो पारमार्थिकम, है ना, ये जो मोक्ष रूपी जो फल है आत्मा का स्वरूप, ये तो पारमार्थिक नित्य, कूटस्थ नित्यम, कूटस्थ नित्य है। थोड़ी टीका देख लो, परिणामिनो नित्यत्वम प्रतिविज्ञा कल्पितम मिथ्या है, वह देखो अंतिम में कह दिया, जो परिणामी होकर के नित्य मानते हो जगत को, क्यों मानते हो, प्रतिविज्ञा से कल्पित है ये, कि वही वस्तु है, वही मकान है, वही मकान है बनने से पहले, वही शरीर है, वही शरीर है क्या, एक एक क्षण में बदलता रहता है, परिवर्तित है ये सब, ठीक है ना। बोलते कि वही दवाई है, वही दवाई कहाँ है, वही दवाई खा रहे हो, वही दवाई है, दिन में दो खा रहे हो, वही दवाई कहाँ है, वो तो खा चुके हो, वही गंगा जी का जल, वो गंगा जी का जल कहाँ है, कल जहाँ पर स्नान किए थे उसी जल में स्नान करते हो, फिर भी कहते वही जल में, वही जल नहीं है। हाँ इसलिए जो प्रतिविज्ञा मान करके नित्य कहते हो ये तो मिथ्या गया ना, वो टीका कहते हैं प्रतिविज्ञा कल्पित, प्रतिविज्ञा या कल्पित मिथ्या है, वो परिणामी नित्य नहीं हो सकता है। कुटस्थ से तो आत्मा कैसा है, कुटस्थ है, हैं हाँ, वो कुटस्थ होकर नित्य है, क्यों नित्य मानेंगे, नाशक भावत, आत्मा का नाश कौन करेगा, आत्मा का संबंध किसी के साथ हो ठीक है, तब तो नाश होगा ना, तो नाश कैसे होगा ठीक है, बोले अपने आप नष्ट हो जाएगा, तो ऐसा भी तो कोई नहीं मारता लेकिन अपने आप नहीं मर जाता है, इसमें अगर आत्मा अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाएगा तो सारा जगत कहाँ रहेगा, फिर
कहाँ रहेगा वो? पर्दा यदि गायब हो जाएगा तो चित्र कहाँ रहेगा? रहेगा कैसे? ये तो सबका उपादान है, ये तात्पर्य है। ठीक है, चलो। कूटस्तत्वम सिद्धार्थम, हाँ टीका में आ गया। नाशक अभावाद नित्यत्वम पारमार्थिकम, ये आत्मा पारमार्थिक नित्य है ना। कूटस्तत्वम सिद्धार्थम, आत्मा स्वरूप जो मोक्ष है वो कैसा है? कूटस्थ है। क्यों? परिस्पंद अभाव, जिसमें कोई क्रिया ही नहीं है तो परिणाम कैसे होगा? आत्मा में यदि कोई क्रिया ही नहीं है तो है ना, तो फिर जो परिणाम ही नहीं हो सकता है, कूटस्थ होगा। इसलिए कहते भगवान भाष्यकार, देखो कूटस्थ नित्यम व्योमवत, व्योमवत सर्वव्यापी सर्व विक्रिया रहितम। देखो कह दिया ना, हाँ ये समझ के। यहाँ पर भामतिकार एक पंक्ति लिखते हैं, कूटस्थ नित्यता एव पारमार्थिकी न परिणामे नित्यता इति सिद्धम। बहुत विचार करने के बाद अंतिम में भामतिकार ने एक निश्चय कर दिया कि क्या निश्चय कर दिया? कूटस्थ नित्य ही पारमार्थिक नित्य है। हाँ, जो परिणामी होगा वो नित्य नहीं हो सकता है, परिणामी जो होगा वो नित्य नहीं होगा, न परिणामी नित्यता। ये सांख्य योग मीमांसा का निराकरण कर दिया। ठीक है, इसलिए कारण ही नित्य होता है। कारण ही क्या होता है? नित्य है ना। इसलिए मृत्तिका इत्येव सत्यम, सारा जगत का उपादान कौन है? ब्रह्म ही है, वही सत्य है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य मतलब ब्रह्म ही सत्य है। ये तात्पर्य है। व्योमवत दृष्टांत क्यों दिया है? व्योमवत कहा ना, व्योमवत कहने से यहाँ पर क्या है, ये दूसरे के मत को दिखा दिया। जैसे आकाश को आकाश का परिणाम नहीं मानते वो लोग, उन लोग तार्किक लोग, बात समझे ना, आकाश का परिणाम नहीं मानते तार्किक लोग। ये जो व्योमवत जो दिया भगवान भाष्यकार ने, ये दूसरे के मत के अनुसार कहा। वेदांत के अनुसार तो आकाश का भी परिणाम होता है, आकाश की भी उत्पत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर वाचस्पति मिश्र कहते हैं व्योमवत इति दृष्टांत परसिद्ध, ये तार्किकों का सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत नहीं है। वेदांत में एक ही नित्य है, कौन? आत्मा, वो कूटस्थ नित्य है, बाकी कोई भी नित्य है ही नहीं। ठीक है, हाँ इसलिए यहाँ पर लिखें अस्मन मते तस्यापि कार्यत्व अनित्यत्व, हमारे वेदांत मत में तो आकाश के भी उत्पत्ति होती है, वो भी अनित्य ही है। ठीक है नारायण, देखो जो क्रिया का फल होते हैं ना, क्रिया का फल चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। एक हो गया उत्पाद्य, दूसरा होता है प्राप्य, तीसरा होता है विकार्य, चौथा होता है संस्कार्य। कितने प्रकार के हो गए क्रिया के फल? चार प्रकार। पहला हो गया उत्पाद्य, मोक्ष की उत्पत्ति होती है क्या? नहीं होती। इसलिए मोक्ष ये कर्म का फल नहीं है, क्योंकि उत्पाद्य नहीं है ये। मोक्ष नित्य है, आत्मा नित्य मुक्त है ना। इसी चीज को कहने के लिए निर्वर्त्य उत्पाद्य, उत्पाद्य रूपी कर्म का फल नहीं है मोक्ष, इसको बतलाने के लिए क्या कह दिया? कूटस्थ नित्यम, हो गया कि नहीं? ऐसा है। दूसरा होते प्राप्य, ऋषिकेश आपको प्राप्त करना है तो जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपको अध्ययन करना है तो अध्ययन प्राप्त करना पड़ेगा कि ना, गुरु के पास जा करके। अध्ययन प्राप्य है, मंत्र मंत्र प्राप्य है, मंत्र को प्राप्त करना पड़ेगा ना गुरु के पास जा करके, नहीं तो कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं कि बस मोबाइल से सुन लेंगे तो मंत्र हो जाएगा, ऐसा ही क्या? हाँ, कहीं कहीं करते ना, मोबाइल से मंत्र दे देते। किससे? आया मोबाइल पकड़ो, हम मंत्र दे देंगे, होगा?
ऐसा ही नहीं होता है, कहीं के माइक से दे देते हैं, 10,000 व्यक्तियों को बैठा देंगे, एक साथ मंत्र दे देंगे, हो जाएगा? वो मंत्र वो मंत्र नहीं होता है, वो मंत्र कैसे कहोगे उसको? हाँ, तो फिर मंत्र तो गुप्त होता है, मंत्र कैसे हुआ फिर? ठीक है, मंत्र तो प्राप्य होता है ना, इसलिए सर्वव्यापी बोल दिया। मोक्ष तो व्यापक है, वो आत्मा नित्य मुक्त है, व्यापक है, इसलिए कह दिया प्राप्य भी नहीं है, दो हो गए। और तीसरा होता है विकार्य है, तो मोक्ष विकार्य रूपी फल भी नहीं है, इसलिए सर्व विक्रिया रहितम कह दिया। अच्छा, और चौथा क्या होता है? संस्कार्य। क्या होता है? संस्कार्य, जैसे प्रोक्षण करना पड़ता है ना, ब्रीहिन प्रोक्षते है ना, हाँ, ब्रीह को प्रोक्षण करेंगे, भूसी निकाल दिया ना, चावल कूट दिया, तो भूसी को कैसे निकाले? मुख से प्रोक्षण करना पड़ेगा, ऐसे सूप से। कोई के अग्नि प्रज्वलित होने के बाद मुंह से फूंकते हैं, है कि नहीं? अग्नि मंथन करने के बाद क्या करते लोग? मुंह से जगह फूंकते हैं, तो शुद्ध हुआ कि अशुद्ध हो गया? ऐसे तो गांव के लोग भी नहीं करते हैं, गांव के लोग जो करे ना अग्नि, वो भी मुंह से नहीं फूंकते हैं, गांव की मैया नहीं करते, नहीं, अग्नि अग्नि भोजन बनाते समय ना मुंह से नहीं करते हैं, हाथ से ऐसे करेंगे, भले ही कर रहे हो, नहीं तो पंखा चला देंगे, कुछ करेंगे, हाथ से पंखा कर देंगे, लेकिन मुंह से नहीं फूंकते हैं। अग्नि तो देवता है ना, अग्नि देवता गाँव में देखो। भले ही घर में जो है भगवान को नहीं रखेंगे है ना, लेकिन भोजन बनाने के बाद अग्नि में डालते हैं पहले, गांव के देखो है ना, तो शास्त्री है कि नहीं है? भले ही शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनका जीवन कैसा है? शास्त्रीय मानना पड़ेगा, बताओ। नर्मदा परिक्रमा में जाओगे तो है ना, घर में मान लीजिए एक ही रोटी बची है, हाँ, और बच्चा भूखा है, लेकिन कोई साधु आएगा तो साधु को दे देगा, साधु को दे देगा, बच्चा भूखा मर जाएगा, लेकिन साधु आएगा तो साधु को पहले देगा, उसको क्या मानेंगे? हाँ, शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन शास्त्र मानना पड़ेगा कि नहीं? मानना पड़ेगा ना, वो जानते कि अतिथि देवता है, जानते कि अतिथि क्या है, अतिथि देवो भव। ठीक है, तो चार प्रकार कर्मों के फल का निराकरण करने के लिए सब बता दिया है ना, क्योंकि आत्मा में कोई क्रिया हो तब तो संस्कार होगा ना, आत्मा तो निरवय है, अनंश है, आत्मा का कोई अंश नहीं होता है, अंश नहीं होता है तो ममय मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव ईश्वर का अंश है कि नहीं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी अंश है कि नहीं जीव? बोलते नहीं, आत्मा का कोई अंश नहीं होता है, जैसे प्रतिबिंब बिंब का अंश है कि नहीं? नहीं है, बिंब ही प्रतिबिंब के रूप से दिखता है, इसलिए बिंब और प्रतिबिंब में अंशांशी भाव नहीं होता है। ठीक है, ईश्वर जीव में भी अंशांशी भाव नहीं है, चलो इसी चीज को कह दिया। नित्य तृप्त, नित्य तृप्त कह दिया यहाँ पर, मतलब तृप्ति है, तृप्ति, तृप्ति में क्या दुखों का संबंध है ही नहीं, जैसे वैश्विक सुखों में दुख है कि नहीं? और मोक्ष कैसा है? नित्य तृप्तम। थोड़ी टीका देखो, फल अनपेक्षित्वा न फलार्थ अपिक्रिया है, देखो फल की कोई अपेक्षा है ही नहीं, है कि नहीं? इसलिए मोक्ष को, आनंद को अनुभव करने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती होगी ज्ञानी को, ऐसा नहीं, ज्ञानी को परमानंद का अनुभव स्वरूप से होता है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अरे लड्डू का सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा कि बिना कुछ के फल ये सुख मिल जाएगा?
लड्डू का सुख चाहिए तो लड्डू खाना पड़ेगा कि नहीं, वहाँ पर क्रिया है। हाँ, आनंद का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, क्योंकि ये कह रहा देखो है, तृप्तिर अनपेक्षतम विशोकम सुखम भाई, देखो है ना, तृप्ति कैसे होते हैं? अनपेक्षतम, केवल आवरण को हटाना पड़ता है, आत्मा तो नेतृत्वित है, शोक नहीं है, दुख नहीं है, निर्वयत्व न क्रिया, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो कोई अवयव है ही नहीं। तस्य भानार्थम अपि न क्रिया, तस्य भानार्थम अपि न क्रिया, ये जो मोक्ष है ना, उसका भान के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है, क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि स्वयं ज्योतिष्वाद, वो तो आत्मा स्वयं ज्योति है, आत्मा क्या है? स्वयं ज्योति, आनंद स्वरूप है आत्मा, ज्ञान स्वरूप होने से उसके लिए कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है। अतः इसलिए कूटस्थत्व न कर्म साध्यो मोक्ष इति उक्तम, इसलिए पहले बोल दिया था आत्मा कूटस्थ है, इसलिए मोक्ष कर्म का फल नहीं है। कर्म कहने से उपासना भी ले लो, कर्म तत्कार्य असंगित्वाच तथा इति, कर्म और कर्म का जो फल है कौन? सुख दुख अथवा धर्माधर्म, ठीक है, उसका संबंध आत्मा के आत्मा में है ही नहीं, ना कर्म का संबंध है ना कर्म के फल का संबंध है। ठीक है, इसलिए कह दिए यत्र धर्माधर्मो, भाष्य देखो, नित्य तृप्तम निरवयवम स्वयं ज्योति स्वभावम, यत्र धर्माधर्मौ सहकार्यणा कालत्रयम् न उपावर्तेते, है देखो, जहाँ पर जिस परमात्मा स्वरूप में धर्माधर्म और धर्माधर्म का कार्य फल है ना, हाँ, फल कौन हो गया? सुख दुख, ये तीनों काल में है ही नहीं संबंध, न उपावर्तेते न समध्यते, है कि नहीं? एक बात बता दिया, काल अनवचिन्नत्वाद, ये देखो, काल से परिचिन्न है ही नहीं आत्मा, काल से परिचिन्न कौन है? जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका नाश होता है, वो काल से परिचिन्न होगा, ये तो महाकाल है वो लेकिन आत्मा काल से परिचिन्न नहीं होता है, इसलिए जन्मदिन होता है किसका होता है? जन्मदिन आत्मा का होता है, किसका होता है? शरीर का होता है, किसका होता है? शरीर का होता है। अच्छा, शरीर का होता है, ऐसे लिखोगे कार्ड में हैं? जन्मदिन के कार्ड में ऐसे लिखना है क्या, शरीर का जन्मदिन हो रहा, आ जाओ तो पागल बोलेंगे, पागलखाना ले जाओ आत्मा का भी जन्मदिन नहीं होता है, शरीर का भी नहीं होता, मतलब शरीर में जो अनुभूति करता है उसका होता है शरीर को जो मैं मानता है उसका जन्मदिन मान लो, और क्या और क्या, नहीं तो क्या जन्मदिन है? ठीक है, तो क्या कहा जाए फिर आज तो जन्मदिन मनाते हैं, बड़े बड़े केक लाते हैं, हैं, केक को काटते भी है चाकू से, मोमबत्ती भी लगाते हैं, बताओ, और मोमबत्ती को क्या करते हैं? बुझा देते हैं, बताओ, महात्मा लोग भी करने लगे आजकल, हाँ, एक जगह पर गए थे तो चाकू पकड़ा दिए, मुझे नहीं, हाँ, चाकू पकड़ा दिए, मैं था वहाँ पर, चाकू पकड़ा दिए तो स्वामी जी, एक स्वामी जी, मैं नाम नहीं लूँगा, बोले कम से कम भाई चाकू से तक, ये चम्मच से तक करो, क्या बोले हो? चाकू पकड़ा दिए काटने के लिए हाँ, ये सब करना नहीं चाहिए, जब कम से कम कर ले तो चाकू से तो ना करो,
चम्मच लाओ, ऐसे बोले। क्या कहा जाए आजकल। कालत्रय हो गए, कालत्रयम च न उपावर्तेते तदेतद् अशरीरत्वं मोक्षाख्यम। भाई ये तो मोक्ष कैसा है, अशरीरत्व है, शरीर का संबंध नहीं हुआ तो यही मोक्ष है, अशरीरत्व ही मोक्ष है, है ना। देखो टीका में, कालत्रयम च न उपावर्तेते, तीनों काल का संबंध है ही नहीं आत्मा में, है ना, भूत वर्तमान भविष्य है ही नहीं, काल का संबंध नहीं है, तो डरना काहे को है। जब कभी अकाल आवे, आवे शरीर का है, काल का संबंध किससे है, शरीर से, हम शरीर से अलग है, तो काल कभी भी आ जाए उसके लिए क्या चिंता करनी है। क्यों जय धर्मादि अनवच्छेदे मानम आह, हे देखो धर्मादि का संबंध है ही नहीं आत्मा के साथ, ऐसे कह दिया। धर्मादि का संबंध किससे है, शरीर से है, धर्मादि का फल भी शरीर से है, आत्मा से नहीं है। कहते हैं देखो, कौन नचिकेता बोल रहा है, छोटा सा बालक बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। कहा ना अंतिम प्रश्न, तीन प्रश्नों में अंतिम प्रश्न आत्मविद्या पूछा। पहला प्रश्न क्या पूछा, तीन बार है ना, तीन बार, तीन बार मांग लिया वो, तीन बारों में पहला बार क्या है, बताओ। हाँ, उनका पिता के लिए मांगा वो, पितृ संतोष, और पिता कहाँ भेज दिया मालूम है, आजकल के पिता तो भेजेंगे, जाओ कश्मीर घूम करके आ जाओ, हैं उत्तराखंड घूम करके आ जाओ, हाँ नहीं तो विदेश घूम करके आ जाओ, कोई बोलेगा ना जमराज के पास जाओ घूम करके आ जाओ, बोलेगा कोई। तो ये क्या बोलते, जाओ जमराज के पास दे दिया। जो पिता जमराज के पास भेज रहा है कि नहीं, सबसे बड़ा कठिन दंड दिया, मृत्यु के पास भेज दिया, और वही पुत्र देखो जिसने भेजा उसी के लिए मांग रहा है, यही पुत्र का पुत्रत्व है। वो सोच रहा है कि देखो पिता यदि न भेजे होते यहाँ ऐसा सुजग मुझे नहीं मिलता ज्ञान प्राप्त करने का, इसलिए पिता के लिए मुझे मांगना चाहिए। पितृ संतोष मांगा हो, क्योंकि मेरे पिताजी को बार बार क्रोध आ जाता है, वो शांत हो जाए। और भेज तो दिया है मुझे, लेकिन नींद नहीं आती होगी रात में, ऐसा कुछ उपाय करो गुरुदेव, आप तो समर्थ हो, आपके लिए क्या कठिनाई है, ऐसा कुछ कृपा करो कि वो उनको नींद आ जाए बिना दवाई से। और तो सर्व समर्थ हो जमराज, तो कृपा किधर हो गई, जमपुरी में कृपा हो गई, और फल किधर मिला, उनको समझ में नहीं आ रहा कि नींद मुझे क्यों आ रही है, किसको, पिता को, ऐसी कृपा ऐसी होती है। कृपा नहीं दिखती है, कृपा का फल दिखता है, क्यों, और क्या, आपको बैठे बैठे वेदांत सुनने को मिल रहा है, हाँ मिल रहा है कि नहीं। तो पहले ज़माने में कितने कितने दूर जाते थे बताओ, जंगल में जाते थे, यहाँ बैठे बैठे सुनने को मिल रहे थे, कृपा नहीं है क्या ईश्वर की। चलो अन्यत्र धर्मा, नचिकेता बोल रहा है जो धर्म से भिन्न, अन्यत्र का अर्थ अन्यत, जो धर्म से भिन्न हो अधर्म से भिन्न हो, है ना, ये भी उपलक्षण मान लो, धर्माधर्म के फल से भी भिन्न हो, धर्माधर्म से भिन्न हो, धर्माधर्म के फल से भी भिन्न हो, ठीक है ना, और अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, कृत होता है कार्य, अकृत होता है कारण, जो कारण भी नहीं हो कार्य भी न हो, कारण भी न हो कार्य भी न हो। अन्यत्र भूताच भव्याच, ये देखो है ना, भूत है भव्य, भूत अतीत, भव्य भविष्यत, उपलक्षण वर्तमान, तीनों काल से भिन्न हो, तीनों काल का संबंध जिससे न हो, ये अभिप्राय। इसलिए काल से अपरिछिन्न, जिसका काल का संबंध हो ही ना हो, ऐसा कोई है तो उसको बताओ,
नहीं तो इधर उधर कहानी ना बताओ। यद वश्यसि तद्वद, ऐसी वस्तु को आप जानते हैं, मुझे विश्वास है। हाँ, यत पश्यसि तद्वद कहा ना, ऐसी वस्तु का आप जानते हो बताओ। नचिकेता का प्रश्न था, वो उत्तर दिया उसने। अरे पहले तो परीक्षण कर दिया भाई, अरे छोटा सा बालक तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, अभी तो खेलने कूदने का खाने पीने का समय है। सारा प्रलोभन दिया, लेकिन कितना भी प्रलोभन दिए, प्रलोभन से जो आसक्त ना हो वही होता है वेदांत का अधिकारी, आत्मज्ञान का वही अधिकारी है। ऐसे अधिकारी को उपदेश दिया जाता है। थोड़ी टीका देखो, कृतात् का अर्थ कार्यात्, ये परमात्मा कार्य है क्या? नहीं, कारण तो है, परमात्मा कारण है कि नहीं है? कारण भी नहीं है वो। ये माया को लेकर के जगत का कारण बोलते हो। जगत जगत यदि है ही नहीं वास्तविक तो क्या कारण होगा? बताओ, सपने में जो आप बनते हो पिता, पिता है आप, है पिता? अरे दिखने से थोड़ी पिता हो जाता है। इसी प्रकार ये सब कार्य है, परमात्मा कारण, ये सपने में है, ये सब इसमें, ये सपना ही देख रहे हैं। क्या देखना है? ये जगत बन गया, परमात्मा ने जगत उत्पन्न किया, ये सब सपना है, सपने में होकर के देख रहे हैं। सपना टूट गया तो कौन कार्य है, कौन कारण है? इसलिए कहते कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। भूताच भव्याच चकारात वर्तमान च ले लो, तीनों काल से भिन्न, काल का संबंध भी ना हो, है ना? अन्य यत पश्यसि, उसको जो तुम जानते हो तद्वद, उसको बताओ। उसी के लिए मैं जो है यहाँ आया हूँ। ठीक है। ननु उक्ताः सुतयो ब्रह्मणा कुटस्था संगीतम वदन्तो मोक्षस्य नियोग फलत्वम किम न स्यात्। देखो, श्रुति कहती रहे कि ब्रह्म जो कुटस्थ संग है, ठीक है कुटस्थ संग है, लेकिन मोक्ष तो नियोग का फल हो सकता है। नियोग मतलब विधि, है ना? विधि से क्रिया होगी, क्रिया से मोक्ष होगा, ऐसा क्यों नहीं मानेंगे? किम न स्यात्। उत्तर दे रहे, अतः भाष्य में देखो, तद्ब्रह्मा यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता। बोलते हैं देखो, जिस ब्रह्म के लिए ये जिज्ञासा हुई ना, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, तद वो जो ब्रह्म है, यदि कर्तव्य से सत्व न उपदिशेत, यदि कर्तव्य का शेष होगा, कर्तव्य कौन हो गई? क्रिया, जागादि अथवा उपासना, उसका शेष यदि ब्रह्म हो जाएगा, तेना च कर्तव्य न साध्यश्चेत मोक्ष अभिपगम्यत। कर्तव्य उपासना अथवा कर्म ले लो, उसका फल यदि मोक्ष हो गया तो मोक्ष नित्य हो गया को नित्य होगा, तब तो अनित्य हो जाएगा, तब तो अनित्य, अनित्य अवश्य, तो मोक्ष को नित्य नहीं कर सकते, मोक्ष तो अनित्य हो जाएगा फिर। ठीक है, यदि अनित्य हो गया तो फिर ये वो क्या अंतर हुआ? जागादि से हर इससे कोई अंतर तो है ही नहीं फिर, ज्ञान से। ये तात्पर्य भगवान। तत्र एवं सति यथोक्त कर्म फलेषु तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु कश्चित् अतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत। यदि ऐसी बात है जो कर्म फलेषु, हाँ पहले जो कहा ना, कर्म का फल कहाँ से कहाँ तक है, धर्म से को लेंगे तो कहाँ तक? ब्रह्मलोक पर्यंत धर्म का फल, और अधर्म का फल नरक पर्यंत। ये तो धर्माधर्म का फल है ना? यथोक्त कर्म फलेषु तारतम्य, देखो कर्म के फल में क्या होता है, तारतम्य दिखता है। कर्म के फल में क्या होता है? तार उत्तर उत्तर श्रेष्ठ दिखता है, तब तो अनित्य हो जाएगा। लेकिन जिसमें सुख का फल, सुख रूपी फल यदि तारतम्य होता हो, तब तो अनित्य हो जाएगा। अनित्येषु कश्चित् अतिशयो मोक्ष, इसलिए कोई अतिशय सुख होगा वही मोक्ष होगा, मतलब अनित्य होगा यदि प्रसज्येत, तब तो ये बात होगी। अच्छा, वो
वहाँ पर आया ना देखो। अतस्तद ब्रह्मा यस्य इयम् जिज्ञासा, उसके ऊपर कह रहे देखो। तत् तत् कहने से तत् कैवल्यम ब्रह्मैव, मोक्ष ब्रह्म का स्वरूप है कि नहीं। कर्म फल विलक्षणत्वात्, कर्म के फल से मोक्ष विलक्षण है। टीका चल रही देखो, ब्रह्म अवेधाद मोक्षस्य कुटस्तत्त्वम्। ये देखो मोक्ष जो है ना ब्रह्म से भिन्न है क्या? ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं मोक्ष। जो आनंद स्वरूप जो मोक्ष है वो ब्रह्म स्वरूप ही हो, ये ब्रह्म से अभिन्न मोक्ष होता है। कुटस्तत्त्वम् धर्मादि असंगित्व, धर्माधर्म का संबंध है ही नहीं, है ना, ये हो गया। अथवा ऐसा समझ लो, भाष्य में था ना दूसरी पंक्ति अतस्तद ब्रह्म, ये तत् से यहाँ पर जिज्ञासा भी ले लो। यदवा यद जिज्ञासम, पाठ देखो भाई, यदवा यद जिज्ञासम तद ब्रह्म। यद है कि तद है टीका में? यदवा यद जिज्ञासम है कि तद जिज्ञासम है? यद है ना, हाँ यद हो तो ठीक है, तद नहीं चाहिए। यदवा यद जिज्ञासम तद ब्रह्म, जो जिज्ञास है वही ब्रह्म है, ऐसे भी कर लो। अतः पृथक जिज्ञासत्वा धर्मादि अस्पृष्टम इत्यर्थ। ये देखो अथा तो धर्म जिज्ञासा में जिज्ञास कौन हो गया? धर्म। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञास कौन है? ब्रह्म। जिज्ञास एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। कर्मकांड का जिज्ञास धर्म है और ज्ञान कांड का जिज्ञास ब्रह्म। एक ही यदि होगा तो इतना लंबा चौड़ा कैको ग्रंथ बनाएंगे ब्रह्म सूत्र ही ना बनाते भगवान व्यास, वो भी सर्वज्ञ है, परमात्मा का अवतार है वो, ये कहना चाहते हैं। पृथक जिज्ञास से होने से धर्मादि का संबंध है ही नहीं इसमें। टीका थोड़ी ले लो। अतः क्या पाठ है? विसर्ग है क्या? विसर्ग होगा कि सकार होगा? हाँ संधि पढ़ने वाले, विसर्ग होगा कि सकार होगा? हाँ दोनों हो सकता है। बासरी विसर्ग भी हो सकता है और सकार भी हो सकता है। अतः शब्द अभाव पाठे, कहीं कि अत शब्द नहीं भी है। अतस्तद ब्रह्म का ना, अतस्तद ब्रह्म का अत पाठ नहीं भी है तभी अर्थ तो ऐसे ही होगा। हाजी क्या जी? हाजी कहाँ पर अतो ना? अतो ना वो तो आगे रह गया, उसके लिए नहीं, उसको लेकर नहीं कहा जा रहा है। अतस्तद ब्रह्म के ऊपर कहा जा रहा है, ऊपर से दूसरी पंक्ति ना, अतस्तद ब्रह्म वो अतस के ऊपर कह रहे हैं यहाँ पर, आगे अत तो अलग है वो, ठीक है। हाँ ऊपर से ये दूसरी पंक्ति आपकी पुस्तक में है, अतस्तद ब्रह्म वो अतस कहीं के पाठ नहीं है उसके ऊपर कह रहे हैं, ठीक है। अत शब्द अभाव पाठे अभी अयमेव अर्थ। ब्रह्मणो विधिस्पर्शे शास्त्र पृथक्तम न स्याद। ये देखो है ना, धर्म में जैसे विधि होती है, होती है ना, धर्म में क्या होती है? विधि होती है। अब ब्रह्म में विधि होती है क्या? नहीं। ब्रह्म में यदि विधि का संबंध रखोगे, शास्त्र पृथक्तम न स्याद, ब्रह्म सूत्र भी अलग शास्त्र कह को बनाएंगे फिर, है कि नहीं? अलग शास्त्र होता नहीं। कार्य विलक्षण अनधिगत विशलाभाद, हे देखो धर्म रूपी कार्य से विलक्षण है ब्रह्म। धर्म जैसे कर्मकांड में अज्ञात है, नहीं किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं है, धर्म है ज्ञात केवल शब्द प्रमाण से ज्ञात है। इसी प्रकार अद्वितीय जो परमात्मा है ये भी वेदांत प्रमाण से ही ज्ञात है
इले कार्य जो धर्म है, धर्म से विलक्षण अज्ञात जो विषय कौन हो गया, ब्रह्म है कि नहीं। हाँ, ये तो वेदांत ऐसे ही प्राप्त होता है। ठीक है, इतने में रखते हैं, आगे के विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरा सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग।